के ड्रोन को हुथी विद्रोहियों ने मार गिराया है। और इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिका की ओर से की गई है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसका ड्रोन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद था, जिसे हुथी विद्रोहियों ने निशाना बनाया। इस वक्त हम आपको ये भी बता दें कि यमन की जमीन से हुथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए अमेरिका के डिस्ट्रॉयर लाल सागर में मौजूद है। और हमास के समर्थन में हुथी विद्रोही लगातार इसराइल की ओर हमला कर रहे हैं, जिसे अमेरिकी शिप नाकाम कर रही है। और अब ये खबर भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका के ड्रोन को हुथी विद्रोहियों ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के ड्रोन को हुथी विद्रोहियों ने मार गिराया। ये बड़ी जानकारी और खुद अमेरिका की तरफ से इस जानकारी की पुष्टि की गई है। गाजा में कल की रात का पूरा ग्राउंड ऑपरेशन हमास की सीक्रेट सुरंगों के खिलाफ चलाया गया। रात के अंधेरे में सीक्रेट सुरंगों में ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। आधी रात के वक्त सुरंगों के अंदर हमास के आतंकियों में जैसे तहलका मच गया हो। और जिन सुरंगों को हमास आतंकी अपनी झाल बनाते आ रहे थे, वही सुरंग अब हमास आतंकियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। हमास की सुरंगों के खिलाफ इजरायली सेना के हिट एंड रन वाला एक्शन आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। इजराइल पर हमले के बाद उनका भविष्य संकट में है। नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि हमास का अंत ही अब उनकी जिंदगी का मकसद है। यानी हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसेगा कि हमास का नामो निशान तक मिट जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल की सेना हमास के ठिकानों में घुसती है और फिर तबाही मचा देती है। उसकी सुरंगों में ही उसकी कब्र तैयार कर देती है, उसके आशियानों को जमींदोज कर दे रही है। वीडियो को इजराइल की सेना ने जारी किया है। वीडियो को गाजा बेत हनोन इलाके का बताया जा रहा है, जहां इजराइल की सेना ने पहले ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करके हमास के लड़ाकों को भगाया, फिर वहां पर बनी हमास की सुरंग को बमों से उड़ा दिया। इजरायली सेना दावा कर रही है कि हमास का ये ठिकाना उसकी सेना के जवानों को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान नजर आया था, जिसे हमास के लड़ाकों ने रेत से ढक दिया था। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जब इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन इसके ऊपर से गुजरे तो उसके सुरंग के होने का पता चला। बाद में बुलडोजर से इसे खुदवाया गया। पहले इजरायली सेना के जवानों ने उस सुरंग में रेकी की। सुरंग के ज्यादा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए जवानों ने सुरंग में बम फेंक कर उसे तबाह कर दिया। जमीन के कई फीट नीचे इस सुरंग में रोशनी के लिए बाहर बकायदा बैटरी का पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। वीडियो में दूर से दो सफेद इमारतों के बीच कई विस्फोट देखे गए। एक विस्फोट बस्ती के बीच में हुआ। दावा है कि सुरंग का एक छोर यहाँ पर भी था। सुरंग के विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीरों में उसकी तबाही आपको नजर आ जाएगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी के मुताबिक, इजरायली सेना के जवान इंजीनियर गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हमास के सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरंग के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की इजरायल ने अपनी स्पेशल यूनिट को जिम्मेदारी दी है। नाम है यहलोम यूनिट। इजरायली सेना के 551वीं ब्रिगेड के यहलोम यूनिट के सैनिकों ने ही इन सुरंगों को तबाह किया था।
नष्ट करने के लिए इसराइल ने सेना में स्पेशल यहालोम यूनिट बनाया है। यहालोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की एलीट कमांडो यूनिट है। यहालोम इन सुरंगों को खोजने, क्लियर करने और नष्ट करने में माहिर है। इस यूनिट की संख्या इसराइल ने दोगुनी कर दी है। इसराइल कह रहा है कि गाजा की जमीन पर तो आम लोग रहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है। टारगेट वही है। कंक्रीट से बनी इन सुरंगों को लेकर 2021 में इसराइल ने दावा किया कि उसने 100 सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास ने कहा कि ये मौजूदा सुरंगों का 5% भी नहीं। गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में तबाह हुई सुरंगों का नक्शा देखिए। ये पूरा गाजा पट्टी है। इसके उत्तर में बीट हनून है, जहां इसराइल ने कई सुरंगें तबाह की। फिर गाजा सिटी है, यहां भी वही हाल किया। उसके नीचे खान यूनिस है और यहां भी कई सुरंगों को इसराइल ने तबाह कर दिया। गाजा पट्टी के सुरंगों का पूरा नेटवर्क ढहाया नहीं जा सका और एक बार फिर यही सुरंगें इसराइल को गाजा पर जमीनी हमले तेज करने से कहीं ना कहीं रोक रही हैं। बहुत क्लियर है कि इसराइल पर हमला करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं, और अब सुरंगें हमास की जीवन दायिनी बनी हुई हैं। दावा तो यहाँ तक है कि आने वाले वक्त में इसराइल GBU-28 बमों से हमास के सुरंगों को ध्वस्त कर देगा।